ઓએનજીસી સ્થિત ટાગોર ફાઉન્ડેશનના ઉપક્રમે રંગ નામના મ્યુઝિક આલ્બમનું બેસિલના મેનેજરના હસ્તે લોન્ચિંગ કરાયું હતું. રવિન્દ્રનાથ ટાગોર દ્વારા ગવાયેલ સુંદર બંગાળી ગીતોને તમામ સમાજના લોકો સમજી શકે તેવા આશય સાથે ટાગોર ફાઉન્ડેશન દ્વારા બંગાળી ગીતોને હિન્દી વર્ઝનમાં રૂપાંતર કરી બનાવાયેલ રંગ મ્યુઝિકલ આલ્બમનું ઓએનજીસીના બેસિલ મેનેજર અરુણકુમારના હસ્તે લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ટાગોર ફાઉન્ડેશનના વખાણ કર્યા હતા. मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज का कोई बैरियर होने के बाद भी उसका कोई महत्व है. सभी लोग ये जानते हैं कि टैगोर केवल एक राष्ट्र कवि नहीं थे, वो एक संगीतकार थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, चाहे वो कला का कोई भी क्षेत्र हो. और उनके उस संदेश को और व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाने के लिए जो ये प्रयास टैगोर फाउंडेशन अलग अलग तरीके से कर रही है वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है. और उसी कड़ी में आज की जो ये एक इतना कार्य जो अनिंद्य और शैली जी ने किया है उसकी हम सराहना कर सकते हैं और तारीफ कर सकते हैं, और उसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं. तो बीजी तरफ टागोर फाउंडेशन ना ईएस पाल अने सिंधिया जी ए रंग म्यूजिकल एल्बम अंगे माहिती आपी हती. हम लोग तो बंगाल में करते ही थे, बट हम लोग का एक ज्यादा बड़ा ऑडियंस है विचर अदर देन बंगाली, मतलब बंगला नहीं जानते. वो लोग बार बार पूछ रहे थे आप लोग इतना डिब्यू में फंक्शन करते हो, इतना सारा जगह जाके फंक्शन करते हो, इतना कॉर्पोरेट फंक्शन करते हो, तो हम लोग के लिए क्या. हम लोग हिंदी गाना गाते थे, ओल्ड मेलोडीज़ या इवन प्रेजेंट डे जो मेलोडी कंटेम्प्रेरी सॉन्ग हम लोग गाते थे, बट बंगला का कुछ खास गाने, रविंद्रनाथ का नाम तो सभी लोग जानते हैं, नोबेल मिला है उनको, तो उनका कुछ सुनाइए हम लोग को कि हम लोग भी उसको मजा ले, हम लोग को भी उसका आनंद उठाए. तो ये बात से हम लोग का आइडिया आया कि क्यों ना रविंद्र संगीत को हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करके, रादर मैं बोलूँगा ट्रांसक्रिएशन, उसको उसको भाव का एक करे एंड ट्रांसलेट करें. तो इसमें हम लोग सहायता दिया सौविक मजुमदार, एक सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल का एक लड़का, उसने सहायता दिया और म्यूजिक अरेंज किया राणा सरकार ने, इट्स अ वेरी फेमस म्यूजिशियन ऑफ बंगाल. तो ये दोनों का सहायता से ये जो प्रोजेक्ट या जो बंगाल हिंदी आप सुन रहे हैं रविंद्र संगीत का, तो उसी का फसल है. तो हम लोग को बहुत आनंद हो रहा है कि कुछ नया चीज़ थोड़ा रिसर्च वर्क डाल के, और उसमें ऑफ कोर्स देवलदास गुप्ता सर, डॉक्टर देवलदास गुप्ता, उसमें जो फाइन ट्यूनिंग या जो बोलते हैं उसका जो छोटा छोटा चीज़ है उसको थोड़ा ठीक करना, और भी जो शब्द है उसको भी और मजबूत करना, इस मामले में देवलदास गुप्ता साहब ने काफ़ी मदद किया. तो उनका एनकरेजमेंट और बाकी सब लोगों का द्वार मिल के आज का ये प्रोजेक्ट संभव हुआ. हम चाहते कि हर कम्युनिटी के लोग रविन्द्रनाथ के गाने के बारे में मालूम हो, उनको उनका बोध सारा सबका घर में पहुँचे, जाने सब ये गाने. इसीलिए हमका हमारा एंड सब लोगों ने अनुरोध किया था कि आप लोग रविन्द्रनाथ टैगोर का सॉन्ग्स को आप हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो इसीलिए हमारा एक कार्यक्रम है.